बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज के इस वीडियो के अंदर हम फुटिंग की कंक्रीट की कैलकुलेशन के मुताबिक बात करेंगे कि हमने फुटिंग का जो प्लान होते हैं उसके अंदर जो उसकी कंक्रीट है उसकी क्वान्टिटी और उसके एरिया वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं। कोई बिल्डिंग की ड्राइंग्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग्स वगैरह हैं उसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास फुटिंग का प्लान है जिसके ऊपर अगर ग्रेड्स और साइड के ऊपर इसके नंबर्स वगैरह मार्क हुए हैं सारे, तो ये ग्रेड्स हमारे जा रहे होते हैं और इधर आप देख सकते हैं साइड के ऊपर इसके राइट साइड के ऊपर इसके नंबर हैं। तो ये हमारे पास फुटिंग का एक प्लान है सारा। इस प्लान के हिसाब से हमने अभी इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी क्वांटिटी। तो ये आप देख सकते हैं इसके बीच में इसके कॉलम्स वगैरह हैं मुख्तलिफ, और ये फुटिंग बीम FB फुटिंग बीम्स वगैरह हैं इसके, और इनकी पूरी डिटेल ये आपको आगे कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स के अंदर दी गई होती है। तो ये आप देख सकते हैं फुटिंग के लिए F1 है, ये फुटिंग टाइप है F1 टाइप की फिटिंग है। हमारे पास दो किस्म की F1 हमारे पास दो लोकेशंस के अंदर आ रही हैं। ये दोनों लोकेशन के अंदर हमारे पास F1 की फिटिंग्स हैं सारी, और ये बीच में आप देख रहे हैं F2। तो ये फिटिंग टू टाइप्स है इसमें, तो ये फिटिंग टू टाइप्स हमारे पास अलहदा इसका डायमेंशन होएगा, और नीचे आप देख रहे हैं ये कॉलम के सामने आपकी F3 फिटिंग टाइप्स 3 है। तो ये हमारे पास इस पूरे प्लान के अंदर तीन किस्म की फिटिंग के सेक्शन है उसने दिए गए हैं, जिसमें F1 F2 और F3 की फिटिंग्स वगैरह हैं। तो इसके कैलकुलेशन के मुताबिक आपको बता दूं, ये आप साइड के ऊपर देख सकते हैं इसके सेक्शन काटे गए हैं सेक्शन 1-1 F1 के हिसाब से, उसकी डायरेक्शन भी आपको वो बता रहा है नीचे ये F1 के ऊपर, इधर भी आपको पास इधर F1 के सेक्शन काटे गए हैं। उसी तरीके से आप ये देख सकते हैं F2 के ऊपर उसने 2-2 के नंबर के हिसाब से उसने सेक्शन काटा हुआ है कि फुटिंग 2 टाइप का जो सेक्शन होएगा वो होएगा, और नीचे F3 के ऊपर उसने सेक्शन 3-3 काटा गया है। तो ये आपने इनकी जो डिटेल्स है उसकी हाइट और उसकी बाकी स्टील की डिटेल जो होगी वो आपको इधर आगे सेक्शन की ड्राइंग के अंदर मिलेगी। तो सेक्शन की ड्राइंग आगे आपके पास ड्राइंग्स की जो डिटेल होती है उसके अंदर आपके पास लगी हुई होती है। इस किस्म की ड्राइंग्स होएगी जिसमें आपकी डिटेल स्ट्रक्चर फिटिंग डिटेल्स वगैरह होंगी सारी, इसमें कॉलम्स की डिटेल्स, और ऊपर आप ये देख सकते हैं ये फिटिंग्स की डिटेल्स ने दी गई है। फिटिंग सेक्शन 1-1 जो काटा गया था सेक्शन, उसकी डिटेल हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास स्टील की डिटेल और ऊपर हमारे पास इसकी फिटिंग की जो डेप्थ या उसकी हाइट है वो तो दी गई है 1 फुट 6 इंच। तो ये बीच वाला जो पोर्शन होएगा हमारा, ये हमारी फुटिंग की कंक्रीट हमारी इधर तक होएगी। इसी तरह आप ये देख सकते हैं फुटिंग सेक्शन 2-2 है इधर, इसकी हाइट भी 1 फुट 6 इंच है, और ये हमारे पास दरमियान में इसी तरीके से ये पूरा सेक्शन हमारे पास कंक्रीट फुटिंग वाला एरिया होएगा। इसी तरह सेक्शन 3-3 ये आपको सामने काटा गया है, और इसके भी हमारे पास जो हाइट है वो 1 फिट 6 इंच है। तो आप ये देख सकते हैं तीनों जो सेक्शन हमारे पास हैं F1 F2 और F3 उनके ऊपर जो उसकी फुटिंग की जो हमारी हाइट है वो 1 फिट और 6 इंच है, और बाकी इसके अंदर डिस्टेंस वगैरह इधर लगे हुए हैं। तो अभी इस प्लान के अंदर आप देख सकते हैं F1 के अंदर तो ऊपर आपको इधर ये लाइन लगी नज़र आ रही है, ये आप ये देख सकते हैं ये लाइन नहीं है हमारे पास, इसने फुटिंग की हमें जो कंक्रीट का जो एज है वो हमारे पास ये इसका ये सेक्शन उसने इधर ड्राइंग के अंदर देख दिया गया है। आप भी अपनी ड्राइंग के अंदर देख सकते हैं, तो वो इस किस्म का उसने सेक्शन काटा गया होगा, और उसकी ड्रिल आपको इधर डिस्टेंस वगैरह वो साइड के ऊपर लिख के दे रहा होगा। तो इधर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इधर फुटिंग 1 की जो हमारी इधर कंक्रीट होनी है 1.5 इंच के हिसाब से, तो उसकी जो हमारे पास एरिया आएगा तो वो ये आएगा जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट एरिया हमारे पास स्ट्रेट एरिया जो आता है, ये हमने इधर मैंने इसका हाईलाइट कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं इधर इसके ऊपर जो साइड के ऊपर उसकी विड्थ हमें वो बता रहा है 10 फुट की, और नीचे ड्राइंग के अंदर ही उसकी जो डायमेंशन है लेंथ है उसकी वो 70 फिट बता रहा है। तो ये 10/70 को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 10 फिट आपके पास विड्थ और 70 फिट आपके पास हाइट है, तो आपके पास 700 स्क्वेयर फिट आपके पास इस जगह तक का एरिया आ जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप के अंदर वो थोड़ा सा इधर कॉर्नर बना रहा है, तो ऊपर आपके पास 5 फुट ग्रेड सी F के ऊपर, और इसी तरह ग्रेड नीचे आपके पास 5 फुट वो दे रहा है, तो टोटल जो उसकी विड्थ आ जाएगी वो 10 फिट आ जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर के ऊपर ये 4 फिट आपको दोनों साइडों पे दे रहा है। इधर आपके पास साइड के ऊपर जो उसकी विड्थ आई थी वो 10 फिट आई थी, तो 10+4 करेंगे तो ये 14 फिट इसकी विड्थ आ जाएगी। तो आपने 10 × 14 कर देना है, तो ये 140 स्क्वेयर फिट हमारे पास ये येलो जो हमारे पास पोर्शन था उसका एरिया आ जाएगा। थर्ड नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं कि आगे वाला पोर्शन
ये सेम टू सेम उसी तरह जिस तरह हमने एरिया पहले वन निकाला था 700 फिट का, तो ये स्ट्रेट जा रहा है। इसके ऊपर ऊपर आपको इसमें डायमेंशन थोड़ी सी आपको इधर से देखनी पड़ेंगी। ये आपके पास ग्रेड एफ से लेके और ग्रेड तक का टोटल डिस्टेंस 14 फिट और 9 इंच था। 9 इंच को आपने फुट में रखना है, उसके अंदर से जो हमारे पास एरिया था 4 फिट का वो माइनस कर देना है। उसके बाद ये आपने सारे ग्रेड के जो ऊपर डिस्टेंस जा रहे हैं ये सारे आपने इधर प्लस कर देने हैं कैलकुलेटर के अंदर, तो ये आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी येलो सेल से लेके जो हमारे पास था एंड तक का 40.25 फीट। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो डायमेंशन आपके पास इतने इंचज में होगी उसको आपने फुट्स में कन्वर्ट करके लिखना है। इसी तरह आपने 40.25 फीट मल्टीप्लाइड बाई 10 फुट उसकी विड्थ ही आपने कर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा 402.50 स्क्वायर फुट। तो ये आपके पास तीन किस्म के एरिया आ गए हैं। अभी आपने इन तीनों एरियो को आपस में प्लस कर देना है, 700 प्लस 140 स्क्वायर फीट प्लस 402.50 स्क्वायर फीट, तो ये वहाँ पर टोटल एरिया इस पोर्शन का जो आ जाएगा वो 1242.50 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो ये आपने एरिया तो अपने पास सेव करके रख लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर F2 के ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये पूरी एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर उसकी फिटिंग दे रहा है सारी। तो आपने इसकी जो डायमेंशन वगैरह हैं वो आपको साइड पर दी गई होंगी, तो आपने कर देना। तो ये हमारे पास जो येलो सेल के अंदर हाईलाइट हुआ है ये F2 की हमारे पास इसकी फिटिंग होगी, ऊपर हमारे पास F1 था, तो आप इसके ऊपर साइड के ऊपर देख सकते हैं। तो ये आपके पास हमारे पास इधर उसकी 18 फिट और 9 इंच है, और इसी तरीके से उसकी लेंथ 1 2 3 फिट और 7 इंच है। तो आपने 18 फिट 9 इंच को आपने 0.75 के ऊपर रखना है, 18.75 और 1 2 3.503। तो ये आपके पास जो 7 इंच और अगर 9 इंच है आपने उसको कन्वर्ट करके फिट्स के अंदर करना है। उसके बाद आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास 23.17.18। इसी तरीके से F1 की नीचे डायमेंशन हमारे पास जो तीसरे नंबर के ऊपर हमारी फुटिंग का जो सेक्शन दिया जा रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ये सेम टू सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हमारे पास एरिया वन हमने कैलकुलेट किया था। तो उसके पास आप साइड पे इसकी विड्थ आ रही है 10 फीट दे रहा है 80 फीट का। उसके बाद ये 5 फीट आपका ग्रेड एफ से डिस्टेंस दे रहा था, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका पास हमारे पास एरिया वन आ जाएगा इसका, इसी तरीके से सेकेंड नंबर के ऊपर एरिया टू आ जाएगा, और उसके बाद एरिया 3 जिस तरीके से हमने ऊपर इसका एरिया बनाए थे। ये अलग अलग मैं वर्किंग कर रहा हूँ ताकि इजी तरीके से समझ आ जाए। तो ये आप साइड के ऊपर देख सकते हैं, ये आपके पास जो इसकी विड्थ दे रहा है वो 10 फीट दे रहा है। उसके बाद ये आपके पास 80 फीट है, 80 फीट जो है हमारे पास ये आगे तक ये डिस्टेंस दे रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 फीट का एक लेंथ है और 5 फीट की दूसरी है, तो ये हमारे पास 10 फीट माइनस हो जाएगा 80 फीट के अंदर से, तो ये हमारे पास की जो लेंथ आएगी वो 70 फीट हो जाएगी। 70 × 10 करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर फीट एरिया आ गया इसका 700 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर 5 फीट और 5 फीट है हमारे पास, उसकी जो हमारे पास इधर विड्थ आ जाएगी वो लेंथ आ जाएगी वो 10 फीट आ जाएगी, और इधर इसकी जो विड्थ होगी वो आप इसी तरीके से 4, और नीचे भी आपको कॉर्नर के ऊपर अगर 4 नज़र आ रहा है, और दरमियान में जो था ये वो 10 फुट था, तो 10 + 4 = 14 फीट इसकी हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो ये आप इसका आप कैलकुलेटर की मदद से आपने 10 × 14 कर देंगे तो 140 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड एरिया आ गया। थर्ड एरिया भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, नीचे 40 फीट और 3 इंचेस दे रहा है आपको, इधर 5 5 फीट के दोनों सेगमेंट इधर आपको वो बता रहा है। तो आपके पास 40 फीट और 3 इंच को आपने 3 इंच को आपने डिवाइडेड बाई 12 करके उसका आपने फिट बना देना है, वो 40.25 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो आपके पास स्क्वायर फिट एरिया आ जाएगा 402.5। उसके बाद आपने एरिया वन, एरिया टू और एरिया थ्री को आपने कैलकुलेटर के ऊपर प्लस कर लेना है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर किया था। तो ये हमारे पास फिटिंग एरिया थ्री जो आया वो 1242.50 आ गया। तो अभी हमने ये तीनों एरिया हमने निकाल लिए हैं। इसी तरीके से आपने इनका पहले स्क्वायर फिट एरिया स्क्वायर फिट या मीटर में निकाल लेना है। नीचे आप देखते हैं तो ये दोनों कॉलम आपके बने हुए हैं जिसके अंदर F3 लिखा हुआ है, और ऊपर इनकी डायमेंशन है लेंथ और विड्थ जो है वो 4 फिट सेंटर लाइन से और 4 फिट सेंटर लाइन से, 8 8 फिट की इसकी लेंथ और विड्थ दोनों जो हैं वो 8 8 फिट की हैं। तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है, 4 + 4 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 × 8 करेंगे तो एक जो आपकी फिटिंग का एरिया आएगा वो 64 स्क्वायर फिट आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई इसको 2 कर दें तो ये दोनों जो हमारी फिटिंग्स हैं उनका एरिया आ जाएगा हमारे पास एरिया 4 1 2 8 स्क्वायर फीट। इसके बाद आपने कैलकुलेटर की मदद से सारे एरिया प्लस कर देने हैं, एरिया 1 1 2 8 2.50 प्लस करना है, एरिया 2 2 3 1 7.181। उसके बाद आपने एरिया 3 प्लस कर देना है 1 2 4 2.50
उसके बाद आपके पास जो लास्ट कॉलम्स के ऊपर आया था एरिया फोर हमारे पास प्लस 128 सो करके इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका एरिया आ जाएगा स्क्वायर फीट के अंदर 5010.181 स्क्वायर फीट। तो हमारे पास ये जो फुटिंग का जितना भी एरिया आया वो आया 5010.181 और फुटिंग बेड की जो हाइट थी जो हमने सेक्शन पीछे देखा था ये सेक्शन हमारे पास इस प्लान के हिसाब से हमारे पास काटा गया था। इसके आपने टिपिकल सेक्शन के ऊपर आ जाना है जो सेक्शन काटा गया है ऊपर इसके ऊपर हमारे पास जो स्किन तीनों फुटिंग्स की हाइट क्योंकि सेम टू सेम आई थी तो इसलिए हमने उसको इकट्ठा करके लिख दिया था 1 फिट और 6 इंच आया तो 6 इंच को आपने उसको फिट में तो कन्वर्ट कर लेना है तो ये 1.5 फिट आपकी इधर बेड की हाइट या उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो इसके बाद आपने क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है कंक्रीट के लिए एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट या विड्थ कर दें 5010.181 + 1.5 तो ये आपके सामने जो क्वांटिटी हमारी आ जाएगी ये हमारी क्यूबिक फुट के अंदर आएगी 7515.2715। तो ये हमारे पास जो कंक्रीट की क्वांटिटी आई है ये हमारे पास क्यूबिक फीट्स के अंदर आई है। इसकी क्वांटिटी को हमने मीटर का कन्वर्ट करना है तो उसको आप डिवाइडेड बाय 35.32 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आपके सामने उसकी क्वांटिटी आ जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर 7515.272 डिवाइडेड बाय 35.32 आप करेंगे तो ये आपके सामने 212.77 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आ जाएगी। तो ये आप इसी तरीके से फुटिंग्स की कंक्रीट को इसकी क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले उसका एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसकी क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।